शिक्षा मिले ना भोजन, गुरुजी उठा रहे हैं वेतन। पांच बच्चों को कागजों में पढ़ाते हैं दो गुरुजी। कागजों में चल रही है स्कूलें। शिक्षा विभाग के अधिकारी सो रहे हैं कुंभकर्ण की नींद। अधिकारियों को भनक होने के बावजूद है मौन। बच्चों को पढ़ाने के नाम पे उठा रहे हैं मोटी तनख्वाह। स्कूल से बच्चे नदारद, गुरुजी गायब। शाम ढलते ही स्कूल बन जाती है शराबियों की शरण स्थली। नमस्कार, आप देख रहे हैं रामकन्या न्यूज और मैं आपके साथ वर्षा पवार। शिक्षा मिले न भोजन, गुरुजी उठा रहे हैं वेतन। जी हाँ, सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन केकड़ी जिले में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि केकड़ी जिले में शिक्षा के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े का रामकन्या न्यूज चैनल द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में कई खुलासे हुए हैं। दरअसल केकड़ी, सरवाड़ एवं सावर पंचायत समिति में कई स्कूलें ऐसी हैं जहां शिक्षकों ने फर्जी नामांकन कर कागजों में स्कूलें संचालित कर रखी है और प्रतिमाह बच्चों को पढ़ाने के नाम पर मोटी तनख्वाह उठा रहे हैं। शिक्षकों की इस करतूत का पता किसी को नहीं चले, इसलिए पोर्टल पर फर्जी नामांकन दर्शा रखा है। ऐसा नहीं है कि स्कूलों में चल रहे फर्जीवाड़े की अधिकारियों को भनक नहीं हो, लेकिन इसकी जानकारी होने के बावजूद सभी मौन है, इसलिए वह भी सवालों के घेरे में है। वैसे तो गुरु को अज्ञान रूपी अंधकार से निकल कर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला सशक्त माध्यम बताया जाता है, लेकिन यहाँ तो गुरुजी बच्चों के भविष्य को उल्टा अंधकारमय करने में लगे हुए हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। केस नंबर एक, राजस्थान सरकार सबको शिक्षा देने के लिए गांव-गांव ढाणी ढाणी स्कूल खोल रही है और अध्यापकों की नियुक्ति भी कर रही है, लेकिन केकड़ी जिले में स्कूलों के हालात बहुत खराब है। केकड़ी, सरवाड़ एवं सावर ब्लॉक में 3 दर्जन स्कूल ऐसी है जहां पर नाम मात्र का नामांकन है और प्रत्येक स्कूल में 2-2 शिक्षक लगा रखे है, जिसके चलते प्रतिमाह लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन छात्र छात्राओं को शिक्षा नहीं मिल रही है। अब आपको सावर पंचायत समिति के राजकीय प्राथमिक विद्यालय माधव सागर लेकर चलते हैं और माधव सागर
स्कूल का स्वच्छ आपको दिखाते हैं। सरकार ने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को शिक्षा देने के उद्देश्य से लाखों रुपए खर्च कर स्कूल भवन बनाया, लेकिन भवन के चारों ओर कटीली झाड़ियां और गंदगी का आलम है। शाम ढलते ही स्कूल शराबियों की शरण स्थली बन जाती है। स्कूल तक पहुंचने के लिए कई जाकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर स्कूल मिलती है। यहाँ पर 5 बच्चों का नामांकन कर रखा है और शिक्षा विभाग ने 2 शिक्षिकाओं को यहाँ पद स्थापित कर रखा है। रामकन्या न्यूज की टीम ने जब पड़ताल की तो पता चला कि स्कूल कागजों में चल रही है और शिक्षा विभाग की पोर्टल पर नामांकन फर्जी कर रखा है। टीम जब 12:15 बजे स्कूल पहुँची तो स्कूल के ताला लगा हुआ था। शिक्षा विभाग जहाँ एक तरफ ऑनलाइन उपस्थिति की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर स्कूल से शिक्षक शिक्षिकाएं नदारद है। ऐसा नहीं है कि इस वर्ष हुआ जो हो, कई वर्षों से गुरुजी यहां मौज कर रहे हैं और फर्जी नामांकन कर रखा है। पिछले वर्ष भी इस स्कूल का मुद्दा जोर जोर से उठा और शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए, लेकिन मंत्री के आदेश भी सरकारी फाइलों में दबकर रह गए और समस्या जस की तस है। अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने जवाब देने की बजाय बगले झांकने लगे और रटा रटा या जवाब दिया कि बच्चों को स्कूल से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान सरकार शिक्षा की ज्योत घर घर तक जलाने के लिए स्कूलें खोल रही है और मिड डे मील जैसे कार्यक्रम चला रही है, लेकिन सावर पंचायत समिति के माधो सागर स्कूल में खड़े हैं जहां पर सरकार ने 2 शिक्षकों को लगा रखा है, लेकिन यहां पे नामांकन ऑनलाइन तो दिखा रखा है, लेकिन यहां तो न तो स्कूल के ये जो दिख रहे हैं न तो ताले खुलते हैं और ना ही यहाँ शिक्षक शिक्षिकाएं आते हैं। नामांकन भी इन्होंने फर्जी रूप से कर रखा है। ऐसे हालात आजकल से नहीं है, वर्षों से ऐसे हालात है। और गत तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय भी इसका खुलासा किया गया था, उस समय भी प्रशासनिक अधिकारियों ने चिट्ठी पत्र लिखी थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर महज कागजी खाना पूर्ति हुई, जिसके चलते यहाँ पर कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं मौज कर रहे हैं और बच्चों का भविष्य अंधकार में है। केस नंबर 2, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी पारा अजमेर कोटा स्टेट हाईवे के किनारे पर स्थित है। सरकार ने यहां पर 2 शिक्षिकाओं को लगा रखा है और शिक्षिकाओं ने स्कूल में 9 बच्चों का नामांकन कर रखा है, लेकिन 9 बच्चों में से कोई स्कूल नहीं आता। यहां भी स्कूल कागजों में चल रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग की नज़र में चलती रही, इसीलिए 9 बच्चों का नामांकन करके इतिश्री कर ली। सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके स्कूल भवन बनाया और 4 दीवारी करवाते हुए विद्युत कनेक्शन करवाया, लेकिन शिक्षा की ज्योत यहां भी नहीं जल रही है, जिसके चलते सरकार को प्रति माह लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि प्रशासनिक अधिकारियों को पता नहीं हो, जानकारी होने के बावजूद अधिकारी मौन है। पिछले वर्ष भी मीडिया ने मामले को प्रमुखता से उठाया था, लेकिन परिणाम सिफर रहा। शिक्षा से कोई बच्चा महरूम नहीं रहे, इसके लिए सरकार ने बागरिया बस्ती में या गुलाबबाड़ी में स्कूल खोली ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके, लेकिन वर्षों से ये स्कूल बंद पड़ी है। और यहाँ पे जो कार्यरत जो सरकारी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उन्होंने केवल फर्जी नामांकन पोर्टल में दिखा रखा है ताकि उनको तनख्वाह मिलती रहे। यहाँ पे मेरे पीछे का नज़ारा देख रहे हो, मुख्य गेट पे झाड़ियाँ लगी हुई है और यहाँ नामांकन भी जो बता रखे हो बच्चे बच्चियाँ पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन सरकार को आंकड़ों में गुमराह किया जा रहा है और नामांकन या कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जो कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो फोकट की तनख्वाह उठा रहे हैं। केस नंबर 3, अब लेकर चलते हैं आपको केकड़ी जिले की खवास पंचायत के खारो लोग के झोपड़े में। यहाँ भी स्कूल कागजों में चल रही है, गुरुजी पढ़ाने आते नहीं है, जिसके चलते गांव के मासूम बच्चे पढ़ाई से वंचित है। यहां के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खवास भेजते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले कभी कभार यहां एक गुरुजी आते थे, लेकिन लंबे समय से गुरुजी गांव में नहीं आ रहे हैं। रामकन्या न्यूज की टीम ने जब पड़ताल की तो पता चला कि यहां 2 शिक्षकों की पोस्टिंग है और नामांकन 6 बच्चों का कर रखा है।
सरकारी पोर्टल पर स्कूल संचालित बताई गई। ऐसे में टीम ने पूरे गांव का निरीक्षण किया लेकिन स्कूल कहीं नहीं मिले। लेकिन कटीली झाड़ियों के बीच गंदगी में स्कूल का फ्लेक्स जरूर पड़ा। अधिकारियों ने जब इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि भवन निर्माण के लिए 75 लाख रुपए स्वीकृत हो रखे हैं। शीघ्र ही स्कूल बन जाएगी, उसके बाद वहां के छात्र छात्राओं को गांव में ही शिक्षा मिलेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ऑनलाइन स्कूल संचालित बता रखी है लेकिन गांव में स्कूल नहीं चल रही है और शिक्षा विभाग कुंभकर्ण नींद सोया हुआ है, आखिर क्यों? केस नंबर 4। राजकीय प्राथमिक विद्यालय रणजीतपुरा में सरकार ने कागजों में विद्यालय संचालित कर रखा है और 8 बच्चों का नामांकन कर रखा है। रामकन्या न्यूज की टीम जब गांव में पहुंची तो स्कूल के ताले लटके हुए थे और स्कूल भवन के चारों तरफ लोगों ने गोबर की रोड़ियां डालकर अतिक्रमण कर रखा था, जिसके चलते बदबू आ रही थी। स्थानीय लोगों ने स्कूल भवन पर कब्जा कर बाड़े बना लिए। सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि यहाँ शिक्षा विभाग ने बच्चों का नामांकन कर रखा है लेकिन किसी शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगा रखी है। ऐसे में सवाल उठता है कि उन बच्चों को पढ़ाता कौन है? शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण व्यवस्था में जमकर धांधली बरती जा रही है। कहीं बच्चे नहीं है तो कहीं गुरुजी ही नहीं है, फिर भी कागजों में स्कूल चल रही है। सरवाड़ पंचायत समिति की ताजपुरा पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनकपुरी में भी कमोबेश यही हालात है। शिक्षा विभाग द्वारा यहां पर 5 कक्षाओं के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षिकाओं को लगा रखा है और नामांकन 4 छात्र छात्राओं का दिखा रखा है, लेकिन यहाँ भी हालात वैसे ही है। स्कूल बंद नहीं हो इसलिए बच्चों का फर्जी नामांकन कर रखा है। रामकन्या न्यूज की टीम जब स्कूल पहुंची तो स्कूल के गेट अंदर से बंद था। काफी आवाज देने के बाद गेट खुला, अंदर देखा तो एक भी बच्चा स्कूल में नहीं था। एक शिक्षिका ऑफिस में बैठी हुई थी और एक शिक्षिका कहीं बाहर गई हुई थी। टीम ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि स्कूल में बच्चे तो पढ़ने नहीं आते लेकिन दोनों शिक्षिकाएं रोज आती है। शिक्षिका से जब बातचीत की तो उसने बताया कि छात्र छात्राओं को स्कूल से जोड़ने के लिए हम रोजाना उनके घर बुलाने जाते हैं। सरकार ने यहाँ पर चारागाह भूमि में विद्यालय के लिए स्थान आरक्षित कर लाखों रुपए कर स्कूल और 4 दीवारी निर्माण करवाया लेकिन बच्चों के अभाव में स्कूल वीरान पड़ी है। यहाँ पे टोटल 4 बच्चे हैं और यहाँ पे 2 का स्टाफ है, एक रेखा मैडम और एक मऊ, और बच्चे आते हैं लेकिन ये लाइनवादी है, मतलब ये क्या, ये कार्बन के कास्ट है तो ये क्या, मतलब बच जाते हैं वापस। यहाँ पे ओनली फॉर सेकंड क्लास उसमें 4 बच्चे हैं वहाँ पर। क्या स्टूडेंट अन्य कक्षा में 0 नंबर का। हाँ, उनसे जाके घर पे जाके बातें भी की और कोशिश भी करते हैं हम तो ये कि यहाँ पे नामांकन बढ़े लेकिन नहीं बढ़ रहा है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रतापनगर सावर वर्षों से राम भरोसे है। वर्षों पहले लुहारिया बस्ती के मासूम बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने यहां स्कूल खोल दी, लेकिन दिन भर खदानों में होने वाली ब्लास्टिंग से परेशान होकर अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया, जिसके चलते यहां कार्यरत 2 शिक्षिकाएं दिन भर ठाली बैठी रहती है। स्कूल एक किराए के कमरे में चलती है, कभी कभार कोई बच्चा आ जाए तो उनका अखर ज्ञान की
जानकारी दे दी जाती है, अन्यथा शिक्षिकाएं दिन भर बैठकर घर चली जाती है। यहां पर भी सरकार ने 2 शिक्षिकाओं को लगा रखा है और 15 बच्चों का नामांकन दिखा रखा है। यहां कार्यरत संस्था प्रधान कभी कभार ही विद्यालय आती है और अन्य विद्यालय की तरह यह विद्यालय भी अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। हालांकि सरकार छात्र छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए मिड डे मील सहित अन्य योजनाएं चला रही है, इसके बावजूद यहां छात्र छात्रों का स्कूल से जुड़ाव नहीं हो रहा है, जिसके चलते दोनों शिक्षिकाओं को सरकार को लाखों रुपए फोगट की तनख्वाह देनी पड़ रही है और यहां के बच्चे अन्यत्र पढ़ने को मजबूर है। आखिर ऐसा क्यों है, यह जांच का विषय है। यहाँ पे हम 2 शिक्षिका अध्ययनरत हैं और यहाँ बच्चों का नामांकन 15 है। ये 6-7 साल से विद्यालय भवन ही है जो एक किराए के भवन में चल रहा है। तो यहाँ पर क्या 1 बजे ब्लास्टिंग भी होती है, कई बार बड़े बड़े भाते आए हैं, तो इसलिए बच्चों की 10 मिनट पहले छुट्टी करनी होती है। सावर पंचायत समिति में भी कई स्कूलें ऐसी हैं जहां नाम मात्र का नामांकन है और 2-2 शिक्षक लगा रखे हैं। सच कहा जाए तो यह स्कूलें खानापूर्ति के रूप में चल रही है। सावर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय इंदिरा कॉलोनी में 6 बच्चों का नामांकन है और शिक्षा विभाग ने 2 शिक्षकों को लगा रखा है। यहाँ पर भी शिक्षा के हालात खराब है, लेकिन शिक्षण व्यवस्था सुधारने वाला कोई नहीं है। हालांकि 6 बच्चों का नामांकन सरकारी पोर्टल पर कर रखा है। स्कूल में कितने बच्चे आते हैं, यह आज तक किसी ने जांच नहीं की। ब्लॉक मुख्यालय पर शिक्षा के यह हालात है तो दुरुस्त ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के क्या हालात होंगे, सहज ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय उदय सागर में 7 बच्चों का नामांकन दिखा रखा है। 7 बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार ने यहां पर भी 2 शिक्षकों को लगा रखा है, जिनको प्रतिमाह तनख्वाह के रूप में मोटी रकम दी जाती है, लेकिन शिक्षा मासूमों को नहीं मिल रही है। सभी को शिक्षा मिले इसके लिए राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन छात्र छात्राओं का जुड़ाव स्कूल से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते सरकारी स्कूल भी कागजों में चल रही है। सावर ब्लॉक के उमरिया विद्यालय में 10 बच्चों का नामांकन दिखा रखा है। वहीं विस्थापित कॉलोनी सदारा में 12 बच्चों का नामांकन दिखा रखा है। कहार मोहल्ला सावर में 13 बच्चों का, टोपा स्कूल में 14 बच्चों का, विस्थापित कॉलोनी बालापुरा में 14 बच्चों का, लोधा का झोपड़ा स्कूल में 15 बच्चों का, जीतपुरा और आलोला स्कूल में 19 बच्चों का नामांकन दिखा रखा है और प्रत्येक स्कूल में 2-2 शिक्षक लगा रखे हैं। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शिक्षा मिले इसके लिए सरकार ने गांव-गांव ढाणी-ढाणी में स्कूलें तो खोल दी, लेकिन स्कूलें खोलने के बाद वापस सुध नहीं ली, जिसके चलते स्कूलों में नामांकन लगातार कम होता गया। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि शिक्षा के नाम पर भी खानापूर्ति की जा रही है। ऐसे में भारत का भविष्य कैसा होगा, सहज ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। केकड़ी पंचायत समिति के फूटीबा का झोपड़ा आनंदपुरा में 9 बच्चों का नामांकन है। इसी तरह विस्थापित कॉलोनी कादेड़ा में 11 बच्चों का नामांकन, मोतीपुरा स्कूल में 12 बच्चों का नामांकन, बाघरियों की ढाणी बघेरा स्कूल में 16 बच्चों का नामांकन है। वही रामपुरा में 18 बच्चों का, रंगीला का झोपड़ा में 19 बच्चों का, सूरीमाता में 19 बच्चों का, चक्का खेड़ा में 19 बच्चों का, बाघरियों की ढाणी में 19 बच्चों का और धुवालिया स्कूल में 20 बच्चों का नामांकन है। सभी स्कूलों में सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर स्कूल भवन बनाए और शिक्षकों को प्रतिमाह तनख्वाह के रूप में मोटी रकम दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिले इसके लिए सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है, उसके बावजूद दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का उजियारा नहीं फैल रहा है, जिसके चलते कई बच्चे शिक्षा से महरूम हैं और निरक्षरता का दंश झेल रहे हैं। अच्छा, एक में दो एक है
कक्षा दो में दो है, कक्षा तीन में तीन है, और कक्षा चार में दो है, और कक्षा पाँच में तीन बच्चे सभी डेली प्रतिदिन आती है। सारी सरकार शिक्षा की जोत गांव गांव डांड डांड जलाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, और पानी की तरह पैसा बहा रही है। कई स्कूल ऐसी है, जैसे माधव सागर स्कूल है, इंदिरा कॉलोनी है, उदय सागर है, गुलाबवाड़ी है, वो स्कूल कागजों में चल रही है, कागजों में नामांकन हो रखा है। माधव सागर स्कूल की बात करें तो वहाँ टीचर पहुँचते नहीं है। आखिर ऐसे शिक्षा के हालात क्यों? ये सारी स्कूलें सर ऐसी जगहों पर खुली हुई है, आबादी कम है, लेकिन उन बच्चों को शिक्षा की मेन धारा से मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी है। और चूंकि वहाँ आबादी कम है तो स्वाभाविक बात है कि न्यूनतम होगा। टीचर के आने जाने की जहाँ बात है तो दो टीचर के विद्यालय हैं, अगर एक टीचर कहीं अवकाश पर आते दूसरे टीचर को बच्चों को बुला के लाना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में वहाँ कभी कभार ऐसा रुक लग सकता है। बाकी विद्यालय की ऑनलाइन अटेंडेंस होती है, बच्चों की अटेंडेंस ऑनलाइन होती है, स्टाफ की अटेंडेंस ऑनलाइन होती है, उसको माधव सागर स्कूल में जाने के लिए रास्ते नहीं, आप कह रहे हो ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है। सर रास्ता तो एक अलग चीज है, बच्चे नहीं वहाँ ताले लटके हुए बरसों से। नहीं बरसों से ताले लटके हुए बात नहीं हो सकती, वहाँ के जो जो स्टाफ लगा हुआ वो रिकॉर्ड ही थैले में लेके घूमता है। आप कह रहे हो स्कूल खुलती है, स्कूल खुलती है सर, ऐसा नहीं, स्कूल नहीं खुलती है। हाँ उन बच्चों को जरूर बुला के लाना पड़ता है, कुछ ऐसी बस्तियों में ऐसी आबादी में स्कूल खुले गए जहाँ बच्चों को बुला के लाना पड़ता है। नामांकन ही पांच का हो तो ऑनलाइन आपने फर्जी तरीके से नामांकन दर्ज कर रखा है। नामांकन तो उस बस्ती का जो है वो रहेगा, उसका तो विभाग भी क्या करता है। हाँ अब ये एक नीतिगत फैसला है, ये तो राज्य सरकार के लिए। गुलाबवाड़ी पारा की स्थिति देखो आप, गुलाबवाड़ी पारा भी सर क्या वहाँ बागरिया बस्ती के बीच खोली गई स्कूल है, और चूंकि वो लोग शिक्षा में कम रुचि रखते हैं उनको बड़ी मुश्किल से जागृत करके स्कूल तक लाना पड़ता है। एक बार मैं स्वयं भी उस स्कूल में गया था, मैं देखा कि उन बच्चों को बुला करके लाना पड़ता है, और जैसे बच्चों को बुला के लाया आधे घंटे बैठे और बच्चों के पेरेंट्स ने वापस आवाज़ लगाई, फिर बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उन स्थितियों में ऐसे बच्चों को मुख्य धारा लाना इसका मुख्य उद्देश्य है, और प्रयास कर रही है सरकार। अब ठीक है, नीतिगत ये फैसले हैं सरकार के, वो जैसा सरकार चाहेगी वैसा। हालात ऐसे हैं जहाँ पे गुरुजी दिन भर ठाले बैठे रहते हैं, बच्चे स्कूल आते नहीं है, मोबाइल पे गुरुजी गेम खेलते हैं। अगर कहीं ऐसा स्थिति है मोबाइल पे गेम खेलते तो गलत है, और ऐसा तो ब्लॉक ऑफिस के लेवल पर उनको ऐसा मॉनिटर करेंगे और उनकी स्थितियों को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि बाकी जो बच्चे हैं उनको प्रत्येक टीचर को अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए पूरा अपना जितना भी उनके पास ज्ञान है नॉलेज उनको देना चाहिए, प्रोजेक्ट की तरफ से विभाग की तरफ से उनके पास कार्य पुस्तकें आ रही है उन सबको हल करना चाहिए। ये तो बातचीत सही बात है। शिक्षा की जोत जलाने के लिए राजस्थान सरकार ने आपके ब्लॉक के अंतर्गत खरड़खेड़ा में स्कूल खोली, और आपके पोर्टल पे दो टीचर भी वहाँ ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं, और छह बच्चे भी वहाँ छह बच्चों का नामांकन कर रहा है, लेकिन वहाँ स्कूल न तो टीचर वहाँ है ना बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। सर खरौली के झोपड़ा खवास पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के अंडर में आती है, और वहाँ उस गाँव में अभी तक स्कूल बिल्डिंग नहीं बन पाई है। राज्य सरकार के द्वारा 73 लाख रुपये बिल्डिंग के लिए सेंक्शन हो चुके हैं, अभी आचार संहिता के चलते टेंडर नहीं हो पाया है, इसलिए उक्त विद्यालय अभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खवास के प्रधानाचार्य जी के द्वारा उसी बिल्डिंग के अंदर संचालित किया जा रहा है, और वहां पर ही वो दोनों शिक्षक भी उनको पढ़ा रहे हैं, और साथ ही जो है वो बच्चे वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। इसका जो है मेरे द्वारा समय समय पर अवलोकन किया जा रहा है, बच्चों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है। जैसे ही विद्यालय का काम टेंडर जारी हो जाएंगे वहाँ पर बिल्डिंग का काम चालू करवा दिया जाएगा। मेरे अभियंता कनिष्ठ अभियंता हैं श्री राजकुमार भारती, वो इसके ऊपर बराबर प्रयास कर रहे हैं, और जगह चिन्हित करके और उक्त कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, और तत्पश्चात उन बच्चों को अपने ही गाँव में अपने ही आसपास राजस्थान सरकार की जो मंशा है और भारत सरकार के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया है उसके तहत वो बच्चे अपने गृह स्थान के ऊपर शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम हो पाए। पूरा स्कूल ऐसे अलग रणजीतपुरा स्कूल के सर, रणजीतपुरा स्कूल गत वर्ष ही जो है वो डीमर्ज होकर के और नए विद्यालय के रूप में पुनः अस्तित्व में आई है, और ये प्राणेड़ा ग्राम के जस्ट पास में पड़ता है, लेकिन ये नई पंचायतों के सीमांकन से निमोज में
आता है। पंचायत प्रारंभ के शिक्षा अधिकारी इनके निमोद लगते हैं। निमोद में अभी प्रधानाचार्य जी का पद रिक्त है और एक्चुअली यहाँ पर 8 बच्चों का नामांकन है और लेकिन यहाँ पर एक भी शिक्षक का जो है यहाँ पर पदस्थापन नहीं है। तो एक भी शिक्षक का पदस्थापन नहीं है तो ऐसी व्यवस्था में उस गांव के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से जोड़ना, उनको शिक्षित करना, उनके भविष्य को संवारने की दृष्टि से हमने अभी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्राणेडा को आदेशित किया है और वो उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी इसके लिए हमने प्रस्ताव और रिक्वेस्ट सेंड कर दी है लेकिन अभी तक इसको यूडाइस पोर्टल पर आदेश नहीं मिला है। इसका यूडाइस अलॉट हो जाता है और इस पर जब शिक्षकों की नियुक्ति हो जाती है तो हम शीघ्र ही वहाँ पर अलग से जो है पूरा विद्यालय संचालित करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मेरे द्वारा 2 बार उस गांव में जाकर के और संपर्क किया गया, ग्रामवासियों से भी संपर्क किया गया और विद्यालय भवन वहाँ पर हालांकि पुराना है और जर्जर स्थिति में है लेकिन जब ये विद्यालय अस्तित्व में आ जाएगा तो निश्चित रूप से जो है यूडाइस और सभी लोग होने के पश्चात ये विद्यालय उसी स्थान के ऊपर उसी गांव में हम संचालित करेंगे। और अभी जो बच्चे हैं उनके शिक्षा के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्राणेड़ा प्रधानाचार्य जी से प्रयास करके और उनको वहाँ पर शिक्षा प्रदान की जा रही है और इसका बराबर मॉनिटरिंग किया जा रहा है।